रमजानुल मुबारक की फजीलत सब पे आया है, इसीलिए इस महीने में बहुत से काम हमें करने चाहिए और उसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। लेकिन मैं इस वीडियो में 10 ऐसे काम जो बहुत फ़ायदेमंद हैं, बहुत फजीलत वाला और बहुत ज़रूरी बातें हैं, वो काम, वो बातें, 10 बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लिहाजा रमज़ान के पूरे महीने में ये 10 काम, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर एक को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। क्या क्या है वो समझ लीजिए। नंबर एक, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि ये महीना बख्शिश वाला महीना है। लिहाजा जब खुसूसी बख्शिश का ऐलान हो जाए तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ताकि हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिले इससे। नंबर दो, दुनियावी मसरूफियात और मसागिल को कम कर देना चाहिए। वैसे तो हम पूरे 11 महीने दुनिया की तरफ भागते रहते हैं, काम धंधे पे लगे रहते हैं। कम से कम एक महीना, ये नहीं कहता कि दुनिया की तरफ मत जाइए, पूरे एक महीने में दुनिया का धंधा आप बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम दिनों के मुकाबले में दुनिया के कामों को, दुनिया की मसरूफियात को कम करके दीनी मसरूफियात, इबादत की तरफ ज़्यादा ताल्लुक, अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करने की कोशिश करिए। इस एक महीने में कम से कम करने की कोशिश करिए। नंबर तीन, रमज़ान का रोज़ा तो हम रखते हैं, आप भी रखते हैं, एक दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे रोज़ों को कबूल कर ले। यानी रमज़ान के रोज़े की कबूलियत की दुआ आपको और हमें ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। नंबर चार, रोज़े में हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करिए, चाहे वो गुनाह कान के गुनाह हो, आँखों के गुनाह हो, ज़बान के गुनाह तो आम हो गए हैं, और हमारी ज़बान इतनी ख़तरनाक हो गई है कि बात बात पे गालियाँ निकल जाती हैं, बात बात पे ज़बान फिसलती है और हम गुनाह, किसी को तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, किसी को कुछ बुरा भला कह देते हैं। तो गुनाह तो आज हमारे लिए ऐसा नहीं है कि जिना करना ही गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, गुनाह बहुत से हैं, और कानों के भी गुनाह हैं, आँखों के भी गुनाह हैं, देखने के, आँखों के गुनाह देखने में हैं, ज़बान कुछ कहना, तकलीफ़ पहुँचाना, ज़बान से किसी को कुछ बुरा भला कहना, ये सब ज़बान के गुनाह हैं। तो इसीलिए हर तरह के गुनाहों से रोज़े को बचाना चाहिए, क्योंकि जब रोज़ा रख कर हम गुनाह करेंगे तो उससे हमारा रोज़ा कमज़ोर हो जाता है, रोज़े की ताकत कम जाती है। नंबर पाँच, फ़र्ज़ के अलावा, फ़र्ज़ तो पढ़ना ही है, फ़र्ज़ नमाज़ें जितनी हैं, और जैसे रमज़ान में तरावी है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह फ़राइज़ और सुनन के अलावा वितर वाजिब है, फ़राइज़ और वाजिब और उसके अलावा जो है सुनन के अलावा जो और दिगर मुस्तहब्बात, नवाफिल नमाज़ें हैं, जो सुन्नत गैर मुअक्कदा नमाज़ें हैं, इनका अहतमाम कम से कम इस महीने में ज़रूर करिए। खुसूसन तहज्जुद की नमाज़ आप ज़रूर पढ़िए, ये मौका बहुत गनीमत मौका है। हम और आप रोज़ा तो रखते हैं और सहरी करने के लिए उठते हैं, सहरी का टाइम जब ख़त्म होता है उस वक्त तहज्जुद का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो खाना खाने से पहले, यानी सहरी करने से पहले, या सहरी करने के बाद 5-10 मिनट भी बचा हुआ हो तो हम कम से कम वजू करके तहज्जुद की 2 रकात या 4 रकात, 4 रकात पढ़ना बेहतर है। कम से कम तहज्जुद की 4 रकात नमाज पढ़ लीजिए। वैसे तो आप अगर अच्छे से पूरी 12 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तहज्जुद की नमाज ज़रूर रमज़ान के महीने में पाबंदी से पढ़ा करिए। ये मौका और ये टाइम बड़ा बेहतरीन और बहुत आसान होगा हमारे लिए। उसके अलावा जो दिगर नमाज़ें हैं, अवाबीन की नमाज़ें हैं, चाश्त की नमाज़ है, इसराक की नमाज़ है, ये सब नमाज़ें भी आप पढ़ा करिए। उसके अलावा नंबर 6, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि
इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इस महीने में कुरान की तिलावत कसरत के साथ किया करते थे। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम इस महीने में आम दिनों के मुकाबले में कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, जहाँ खाली वक्त मिले बैठकर कुरान की तिलावत करिए। नंबर 7, ज़िक्र व अदकार में मशगूल रहिए। आप खाना पकाती हैं, औरतें खाना पकाती हैं, पकाती रहिए, इसी तरह मर्द हजरात कुछ काम काज कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन ज़बान तो अभी खाली है। कम से कम ज़बान से हिसाब की ज़रूरत नहीं, तस्बीहात की ज़रूरत नहीं कि आप बैठकर तस्बीह गिनते रहिए कितनी मरतबा पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए। चलते फिरते उठते बैठते काम काज में लगे हुए हैं उस वक्त आप जिक्र अज़कार जैसे सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो अज़कार हैं, अल्लाह का नाम लेना, कलमे तैयबा पढ़ना, यह जिक्र अज़कार रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा करिए। नंबर 8, दुआ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। दुआ, इस महीने में दुआ की भी बड़ी फजीलत है और एक मौका ऐसा है, एक टाइम रोज़ाना रमज़ान में एक ऐसा आता है जिसमें हर आदमी की दुआ कबूल होती है और रद्द करने का चांस ही नहीं है, वो है इफ्तारी के वक्त। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ उठाकर दुआ करिए, मन ही मन में जो आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं मांगते जाइए। इफ्तारी करने से पहले पहले, इफ्तारी के टाइम में आप दुआ का एहतमाम करिए, क्योंकि उस वक्त दुआ कबूल होती है। हदीस में आता है ला तरुद्दु दावतहु, यानी उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। इसीलिए दुआ ज़रूर करिए और खुसूसी तौर पे इफ्तारी के वक्त में। नंबर 9, जो भी इबादत करें कम से कम अपने मरहूम और मरहुमा जो आपके ख़ानदान के, आपके महल्ले के गुज़र गए हैं, उनका ख्याल करते हुए ईसाले सवाब कर दीजिए। और ईसाले सवाब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, या ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप ईसाले सवाब कर देंगे तो आपका सवाब कम जाएगा और उनको मिल जाएगा। आपको जितना मिलना चाहिए उतना मिल गया। मिसाल के तौर पर 100 नेकियाँ आपको मिली और आपने कहा कि या अल्लाह, इसका सवाब मेरे दादा, मेरी दादी, परदादा, परदादी, यानी हमारे ख़ानदान में जितने भी मरहूम मरहूमा हैं सब तक पहुंचा दीजिए, अल्लाह से आप कहते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको 100 नेकियां मिली थी और आपकी 100 नेकियां आपके पास ही हैं, उसके अलावा और अल्लाह ताला के फजल करम से 100 नेकियाँ हर एक एक को मिल जाएंगी। वो भी हर एक को जो मिलेगी तकसीम नहीं होगी, दादा को भी 100, दादी को भी 100, पर दादा को भी 100। अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह की जो है शान देखिए, कितना बड़ा फजल और करम है अल्लाह का। इसीलिए रमज़ान में आप इबादत तो ज़्यादा करते ही हैं और उसमें कम से कम मरहूम मरहूमा का ख्याल कर लीजिए, ताकि कुछ फ़ायदा बग़ैर कुछ खर्च किए उनको भी पहुँच जाए। नंबर 10, सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सदक़ा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। गरीबों की मदद करना, गरीबों को कुछ देना, खिलाना पिलाना, इफ्तारी के वक्त में एक दूसरे के घर इफ्तारी पहुंचा देना, इफ्तारी कराना बहुत सवाब का काम है। इसीलिए सदक़ात, खैरात, मदद ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में करने की कोशिश करिए। ये 10 काम हमें और आपको लगन के साथ, एहतमाम के साथ करना चाहिए, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी।